सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टोटल स्टडी चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिज्म से अपवर्तन। तो प्रिज्म से अपवर्तन पढ़ने से पहले हमको जानना होगा दोस्तों, व्हाट इज प्रिज्म, प्रिज्म होता क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के चैनल। आज के चैनल में क्या क्या कवर करने वाले हैं एक बार वो देख लेते हैं। आज पढ़ेंगे प्रिज्म होता क्या है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, उसमें क्या क्या पार्ट्स को क्या क्या बोला जाता है, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता कैसा है, न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है और न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में कौन कौन से गुण प्रिज्म प्ले करता है, कौन कौन से गुण प्रिज्म दिखाता है, हम आज इसको पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म दोस्तों तीन आयताकार एवं दो त्रिभुजाकार पृष्ठ से घिरा हुआ एक ऐसा पारदर्शी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिज्म। एक बार और देख जान लो दोस्तों कि प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म तीन आयताकार और दो त्रिभुजाकार पारदर्शी पृष्ठों से घिरा हुआ एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिज्म। एक बार डायग्राम में देख लेते हैं दोस्तों, प्रिज्म होता कैसे, प्रिज्म दिखता कैसे है। तो ये बन गया दोस्तों डायग्राम में प्रिज्म, जिसके देख सकते हैं हम तीन आयताकार फलन है। ये एक आयताकार फलन हो गया, ये दूसरा आयताकार फलक हो गया और तीसरा जो कि सामने है ये थर्ड आयताकार पृष्ठ हो गया। तो इसी तरह तीन इसमें आयताकार पृष्ठ हो जाते हैं एवं दो यहाँ ऊपर देख सकते हैं, एक त्रिभुजाकार पृष्ठ और नीचे एक त्रिभुजाकार पृष्ठ। तो दो त्रिभुजाकार पृष्ठ और तीन आयताकार पृष्ठ से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। तो आइए दोस्तों इसका देख लेते हैं उपयोग क्या क्या होता है, उपयोग किस लिए हम प्रिज्म को पढ़ रहे हैं, इसका उपयोग क्या है। तो हम प्रिज्म का उपयोग करते हैं किसी भी वर्ण को विक्षेपित करने के लिए दोस्तों। मतलब कि कोई भी वर्ण है उसमें हमको नहीं दिखता कि उसमें कितने वर्ण उसके अंदर और भी कितने छिपे हैं, तो इसी को अलग अलग करने के लिए हम प्रिज्म का उपयोग करते हैं दोस्तों। जैसे कि हम श्वेत वर्ण ले लेते हैं, श्वेत वर्ण ले लेते हैं। श्वेत वर्ण में हमारे सात अलग और रंग होते हैं विभ्योर, जिसे हम मैं आपको डिटेल से पूरा पढ़ाऊंगा। बैजानी हैप्पी नाला एक इसका ट्रिक है याद करने का, जिसमें पूरा सातों रंग जो है एक ही ट्रिक में आ जाता है। तो ये एक श्वेत कलर होता है दोस्तों, एक श्वेत वर्ण होता है जिसको प्रिज्म को यदि इसमें सामने रख देते हैं तो इनके सातों इंटरनल जो भी कलर है उसको प्रक्षेप करके सामने दिखा देता है। तो सिर्फ इसका उपयोग इसीलिए करते हैं दोस्तों, किसी भी वर्ण को उसका विक्षेपण करने के लिए हम प्रिज्म का उपयोग करते हैं अपने डेली लाइफ में। अब चलो देखते हैं दोस्तों कि पार्ट ऑफ प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म के कौन से पार्ट होते हैं और उसको क्या क्या बोला जाता है। तो उसको जानने के लिए दोस्तों हमको इस प्रिज्म को ऊपर से देखना होगा। हम यहाँ पर अपना आँख रख के हम देख सकते हैं ऊपर से, तो कुछ हमको प्रिज्म इस तरह से दिखाई देगा दोस्तों, कुछ हमको प्रिज्म इस तरह से दिखाई देगा। तो इसी में देख लेते हैं चलो किसको क्या पार्ट बोला जाता है। तो प्रिज्म में दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, प्रिज्म के दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, ये एक अपवर्तक पृष्ठ हो गया और ये एक अपवर्तक पृष्ठ हो गया दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं पृष्ठ और एक आधार होते हैं, आधार जिसको हम प्रिज्म का आधार भी बोलते हैं, आधार। और जहाँ पर दो अपवर्तक पृष्ठ मिलता है उस बिंदु को बोलते हैं दोस्तों प्रिज्म का कोण। ये कोण जहाँ पर भी बना है इस कोण को बोलते हैं प्रिज्म कोण, या इसी को
अपवर्तक कोण भी बोला जाता है। आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में प्रिज्म को कोण ही ना बोल के अपवर्तक कोण भी बोला जा सकता है, इसी को अपवर्तक कोण कोण भी बोला जाता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री। अब इसको मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि 60 डिग्री ही क्यों होता है प्रिज्म का जो कोण होता है। तो इसका रीज़न है, हम जैसे कि जानते हैं ट्रायंगुलर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अच्छा, तो 180 अंश में हमारा नंबर ऑफ कोण, नंबर ऑफ एंगल कितना है, 3 है। तो 180/3, तो इसको काट देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा, 60 अंश आ जाएगा। इसीलिए प्रिज्म का कोण की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 60 होती है। ओके, ये भी जान लिए कि किसको क्या बोला जाता है। अब हमको जानना है दोस्तों प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता कैसे है। देखते हैं नेक्स्ट, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। ये हो गया अपना प्रिज्म, यहाँ हो गया अपना अपवर्तक पृष्ठ, ये भी हो गया अपवर्तक पृष्ठ, ये हो गया आधार। हम अब अपवर्तक पृष्ठ पर किरण आपतित करते हैं, तो ये हो गया अपना आपतित किरण, आपतित किरण। यहाँ पर प्रकाश डाले हम, पी क्यों एक किरण आपतित किए। अब ये किरण एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में जा रहा है। अच्छा, तो माध्यम को आपको पहले बता दूं दोस्तों, सघन माध्यम से विरल माध्यम और विरल माध्यम से सघन माध्यम होता क्या है। इस समय में अभी एट दैट टाइम हमारा जो लाइट है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम। तो आप एक कॉन्सेप्ट याद कर लो, जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, जो प्रकाश है उसके अभिलंब की ओर झुक जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। और जैसे ही प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, माध्यम में जाएगा तो जो प्रकाश है वो अभिलंब से दूर हो जाएगा, अब आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे होंगे दोस्तों कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। तो चलिए उसको भी पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता कैसे है, क्योंकि ये बेसिक है दोस्तों। और हमारा इस स्टडी चैनल का पर्पस ही यही है कि हम आपको बेसिक से बेसिक नॉलेज को पहले दें, ताकि आप आगे बड़े से बड़े इक्वेशन को ईजिली सॉल्व कर सकें। तो चलिए देखते हैं कि सघन माध्यम और विरल माध्यम में पहले यही जान लेते हैं होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सघन माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है दोस्तों जिसमें उसके कण जो है पास पास होते हैं, और जिसमें प्रकाश की जो वेलोसिटी है, वेग है, वो अधिक होती है। ऐसे माध्यम को क्या बोलते हैं, सघन माध्यम बोलते हैं। लिख के भी बताया, तो कण जो है वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं, एवं प्रकाश का वेग वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, कम होती है। ऐसे माध्यम को हम क्या बोलते हैं, सघन माध्यम बोलते हैं। बात करें विरल माध्यम की, तो वाइस वर्सा इसके जस्ट इसके उल्टा, विरल माध्यम तो जिसमें कण जो है क्या होती है दोस्तों, दूर दूर होती है, और जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है, ऐसे माध्यम को बोलते हैं विरल माध्यम।
तो जैसे इंस्टाग्राम में हमारा प्रकाश किस माध्यम से किस माध्यम में जा रहा है दोस्तों, आप बता सकते हैं? हाँ, हम बता सकते हैं डायग्राम को देख के कि हमारा प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आ रही है। तो जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है, तो और एक चीज़, एक टिप्स यहाँ पर याद रखना आपको पड़ेगा दोस्तों, कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, इंटर करती है, तो एक अभिलंब खींच जाती है, और वो अभिलंब जो अपवर्तक पृष्ठ रहते हैं उसके लंबवत खींच जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, इस विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तो यहाँ पर एक अभिलंब खींच जाएगी, और वो अभिलंब इस जो सरफेस है, इस जो पृष्ठ है, उसके लंबवत होगी। इसीलिए इसको बोलते हैं अभिलंब। ये जो होता है इमेजिनरी लाइन होता है, ये काल्पनिक रेखा होता है दोस्तों। हम यहाँ पर एक अभिलंब ले लेते हैं, MO ले लेते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, यहाँ पर देखो, प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई, अभिलंब की ओर झुक जाती है, और क्यू आर मार्ग का अनुसरण करती है। फिर वही नया टिप्स हो गया दोस्तों, कि जैसे प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया तो अभिलंब की ओर झुक गया, और दूसरे केस में प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है, तो इसमें मैं बताया अभिलंब से दूर हो जाती है। तो यहाँ पर एक बनेगा अभिलंब, क्योंकि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर कर रही है, और जहाँ प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करती है वहाँ पर एक अभिलंब खींच जाती है, और वो अभिलंब पृष्ठ के लंबवत होती है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये दूसरा अभिलंब खींच जाएगी, NO, और यहाँ पर प्रकाश का डायरेक्शन होगा इस अभिलंब से दूर हो जाएगी, क्योंकि प्रकाश इंटर कर रही है विरल माध्यम में सघन माध्यम से, तो यहाँ पर उसकी डायरेक्शन हो जाएगी अभिलंब से दूर, और आर इस मार्ग का अनुसरण करेगी। तो आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर किसको क्या बोला जाता है। तो ये तो हो गया आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, और ये हो गया निर्गत किरण। इतना कंफर्म हो गया दोस्तों, आपतित किरण जो आपतन होता है, आपतित किरण के बाद अपवर्तित होता है उसको अपवर्तित किरण बोलते हैं, फिर आउटपुट में जो मिलता है उसको हम निर्गत किरण बोलते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों, आपतन कोण क्या होता है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। आपतन कोण बोलते हैं जिसको दर्शाते हैं स्मॉल आई से, डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। दूसरा आता है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण में कौन सा कोण बनेगा, अपवर्तक कोण बनेगा। आपतन कोण, अपवर्तक कोण, तो ये वाला कोण क्या कहलाएगी दोस्तों, अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण और अपवर्तक कोण को हम दर्शाते हैं स्मॉल आर से। वैसे ही निर्गत कोण भी होगा दोस्तों, निर्गत जहाँ पर किरण बना है वहाँ पर निर्गत कोण भी बनेगा। तो जो कोण निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बनता है उसको क्या बोलते हैं, निर्गत कोण बोलते हैं। और यहाँ पर निर्गत कोण की वैल्यू हो जाएगी, निर्गत कोण हो गई जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आई से, स्मॉल आई से दर्शा दिए, ये हो गया अपना निर्गत कोण। तो सब चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गया दोस्तों, आपतन कोण, अपवर्तन कोण और निर्गत कोण। इससे अतिरिक्त एक और कोण बनता है दोस्तों, उसको हम ध्यान देंगे। जैसे हम आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाते हैं और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो हमको एक एंगल और मिलता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, काटती है, कहाँ पर, बिंदु टी पर। तो जहाँ पर भी काटती है वहाँ पर एक एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है। इस कोण को बोलते हैं हम विचलन कोण। इस कोण को क्या बोलते हैं, विचलन कोण। और इस कोण को दर्शाते हैं हम डेल्टा से, या डेल्टा एम से भी दर्शाते हैं, क्योंकि ये मिनिमम विचलन कोण होता है। तो इस कोण को हम दर्शाते हैं डेल्टा से या डेल्टा एम से।
तो सभी कोण एक एक करके सब समझ गए हैं पॉइंट टू पॉइंट। ओके, तो ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म के द्वारा। इस तरह होता है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म के द्वारा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं न्यूनतम विचलन कोण होता क्या है। न्यूनतम ये तो हो गया विचलन कोण, अब हमको न्यूनतम विचलन कोण कैसे प्राप्त करेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण, तो वैज्ञानिकों ने प्रयोग के दौरान उन्होंने देखा कि जैसे हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं विचलन कोण का मान कम होते जाता है। आपतन कोण जैसे बताया हूँ, विचलन कोण दोनों दोनों को मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो इसमें आपतन कोण के मान को जैसे बढ़ाते हैं आपतन कोण का मान आई होता है, और आई के मान को जैसे जैसे बढ़ाते हैं विचलन कोण का मान वैसे वैसे कम होता जाता है, विचलन कोण का मान डेल्टा। तो आपतन कोण को हम जैसे जैसे यहाँ बढ़ा रहे हैं विचलन कोण का मान कम होता है। कहने का मतलब डायरेक्ट है कि ये दोनों यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, आई अनुत्क्रमणीय डेल्टा। जैसे हम एक को बढ़ाते हैं दूसरी की वैल्यू कम होती है, और कम करते हैं दूसरी की वैल्यू बढ़ती है। अच्छा, तो इसकी भी कुछ लिमिटेशन होती है दोस्तों, इसको बढ़ाते जाते हैं वो कम होती जाती है, बढ़ाते जाते हैं कम होती जाती है। लेकिन एक टाइम आता है जब हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं उसके बाद भी विचलन कोण का मान कम होना चाहिए, बट वो कम होने के बजाय वो बढ़ने लगता है। तो उस पॉइंट को बोलते हैं हम न्यूनतम विचलन कोण, सबसे मिनिमम विचलन कोण। और इस समय हमारा प्रिज्म जो है आइडियल कंडीशन में आ जाता है, और हमारा प्रिज्म जो है तीन विशेष प्रॉपर्टी विशेष गुण दर्शाने लगता है। आपको समझ में आया दोस्तों न्यूनतम विचलन कोण किसको बोलते हैं? जैसे जैसे हम आपतन कोण की वैल्यू बढ़ा रहे हैं विचलन कोण की मान कम हो रही है, और बढ़ा रहे हैं और कम होती है। लेकिन एक टाइम ऐसे आता है जब आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं उसके बाद भी विचलन कोण का मान कम नहीं होने के बजाय वो बढ़ने लगता है। तो उस पॉइंट को, उस विचलन कोण के उस पॉइंट को हम न्यूनतम विचलन कोण बोलते हैं। और न्यूनतम विचलन कोण में तीन गुण होते हैं, विशेष गुण होते हैं, उसको हम यहाँ पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग डाल देंगे न्यूनतम विचलन कोण के स्थिति में प्रिज्म का गुण। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में प्रिज्म तीन गुण को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें से फर्स्ट गुण ये है कि आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब जैसे डायग्राम में अभी मैं आपको दिखाया, ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया निर्गत कोण, आपतन कोण आई और निर्गत कोण ई। न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में आपतन कोण और न्यूनतम कोण का मान दोनों बराबर होता है। दूसरा गुण है दोस्तों, आपतित किरण जो है वो पृष्ठ के साथ जो एंगल बनाती है, जो कोण बनाती है, और निर्गत किरण एक पृष्ठ के साथ जो कोण बनाती है, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, आपतित किरण के द्वारा बनाया गया पृष्ठ के साथ कोण, आपतित किरण के द्वारा अपवर्तित पृष्ठ पर, अपवर्तित पृष्ठ पर लिखें या पृष्ठ पर लिखें एक ही मतलब है। पृष्ठ पर बनाया गया कोण कोण एवं निर्गत किरण द्वारा अपवर्तक पृष्ठ पर बनाया गया कोण
समान होता है, समान होता है। बोलने का मतलब, जैसे हम इस डायग्राम में देख लेते हैं, आपतित किरण इस पृष्ठ के साथ अल्फा कोण बना रही है और निर्गत किरण इस पृष्ठ के साथ बीटा कोण बना रही है। तो अल्फा होगा इज इक्वल टू बीटा के, आपतित किरण के द्वारा पृष्ठ पर बनाया गया कोण और निर्गत किरण के द्वारा पृष्ठ पर बनाया गया कोण दोनों बराबर होंगे। किसके तहत? न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में उसके ये गुण हैं। एक तीसरा गुण भी ये दर्शाते हैं दोस्तों, जो है यदि प्रिज्म के आधार के दोनों कोण समान हो, कहने का मतलब ये प्रिज्म हो गया, इसका ये आधार हो गया, इसका दोनों कोण समान हो, कौन कौन से दोनों कोण, ये कोण और ये कोण, दोनों कोण यदि समान हो तब अपवर्तित किरण जो है प्रिज्म के आधार के समानांतर होता है। कहने का मतलब, इसको हिंदी में लिख लेते हैं, जब प्रिज्म के आधार कोण समान होते हैं, समान होते हैं, तब अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती है, होती है। कहने का मतलब, ये अपवर्तित किरण और ये प्रिज्म के आधार दोनों के क्या होंगे, समांतर होंगे। किस कंडीशन में? न्यूनतम विचलन कोण की कंडीशन में दोस्तों, न्यूनतम विचलन कोण की कंडीशन में ही ये दोनों क्या होगी, समांतर होगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आगे हम कल देखेंगे प्रिज्म का अपवर्तनांक के लिए फार्मूला कैसे निकालते हैं, और जब प्रिज्म पतला हो तो फार्मूला में क्या अंतर आती है, उसका अपवर्तनांक क्यों ज़रूरी है, कैसे होना चाहिए। तो यदि आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है, आपको हमारा स्टडी लगता है आपके लिए यूज़फुल हो, समझ आ रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, आगे टेक केयर।